Dear students, you are studying lesson climate. In climate, you yesterday studied about climate, weather, and the elements of climate and weather, right? And today you are going to study in detail about the monsoon. So the question was, what is monsoon? What is monsoon? How will you write the answer? The word monsoon has been derived from the Arabic word mosim, which literally means seasons. है literally means seasons. इसके seasons क्यों कहते हैं? क्योंकि monsoon के reversal पे ना season भी depend करता है. जैसे arrival of monsoon है तो rainy season आ जाता है, और monsoon के retreat के साथ फिर winter शुरू हो जाता है. तो इसलिए इसको कुछ सीजन से मीन करके अरबिक पीपल ने इसको क्या बोला, मौसम बोला. तो इसलिए क्या कहते हैं कि द वर्ड मॉनसून इज डेराइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम, व्हिच लिटरली मींस सीजंस. मॉनसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर. हाँ, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मॉनसून, तो ये तो पूरी बात लिख ही दोगे, ठीक है ना. और इसमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. During a year means in one part of the year the direction of wind is from sea to land, and in other part of the year the direction of wind is from land to sea, and this is known as seasonal reversal. Have you understood what is seasonal reversal? Seasonal reversal of wind means in one part of the year the wind blows from sea to land, and in other part of the year it blows from land to sea. And how this happens? This happens due to the difference in air pressure. Wind always blows from high pressure to low pressure. Wind always blows from low pressure to high pressure. No. Wind always blows from high pressure to low pressure. है ना, wind का जहाँ पर भी high pressure, वहाँ से हवा हमेशा किस तरफ बहेगी? Low pressure की तरफ बहेगी. हाँ, और लो से हाई नहीं कभी हो सकता है. तो लैंड से सी या सी से लैंड क्यों होता है विंड का डायरेक्शन? वही प्रेशर के वजह से. कि एक बार क्या होता है कि सी के ऊपर जब हाई प्रेशर है और लैंड के ऊपर लो प्रेशर है, तो उस समय विंड जो है वो सी से लैंड की तरफ चलती है. लेकिन जब लैंड के ऊपर लो प्रेशर हो गया, और लो प्रेशर क्यों होता है? हाई टेम्परेचर की वजह से होता है. तो अगर लैंड के ऊपर लो प्रेशर है और सी पे हाई प्रेशर है, तब तो सी से लैंड की तरफ ही हवा चलेगी. लेकिन अगर सी के ऊपर लो प्रेशर हो, सॉरी हाई प्रेशर हो गया. हाई प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर लो होने से प्रेशर हाई होता है. तो विंटर सीजन में, विंटर को इमेजिन करो कि विंटर सीजन में लैंड के ऊपर टेम्परेचर लो होने की वजह से एयर का प्रेशर लैंड पे कैसा होता है? हाई होता है. लेकिन उसी समय सी के ऊपर कैसा रहता है? लो एयर प्रेशर रहता है. तो विंटर में क्या होता है कि विंड का डायरेक्शन लैंड से सी की तरफ होता है, जबकि समर में सी से लैंड की तरफ विंड होता है. ये बात समझ गए? तो विंड हमेशा किस वजह से मूव करती है? विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हाँ, इस बात को समझे? बताओ व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ ब्लोइंग ऑफ द विंड, फ्रॉम वेयर टू वेयर? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ऑलवेज ब्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. एकदम बेसिक चीज यही है इस लेसन का, कि विंड का डायरेक्शन से बदलता है. विंड क्यों रिवर्सल करता है? रिवर्सल क्यों होता है? रिवर्सल ऑफ विंड. तो विंटर सीजन में लैंड जो है ना वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और इसलिए उसके ऊपर हाई प्रेशर होता है. फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ाना. फिर से बोलो. हाँ, व्हाट यू वांट टू से? अभी क्लाइमेट पढ़ रहे हो, फिजिकल फीचर की बात नहीं करो अभी, है ना. वो तो सेकंड लेसन था. तो अब देखो, ये हम लोग बात क्या कर रहे थे कि लैंड और वाटर का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है. लैंड जो है ना वो जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा होता है,
और वाटर ज्यादा टाइम लेता है उससे गर्म होने में भी ज्यादा समय लेता है और कूलिंग में भी ज्यादा ठंडा होने में भी ज्यादा समय लेता है। इसीलिए लैंड और सी में एयर का प्रेशर हमेशा अपोजिट होता है, है ना, अपोजिट, एक दूसरे से अपोजिट होता है। अगर लैंड पे हाई प्रेशर है तो सी पे क्या होगा, लो प्रेशर, और सी में अगर हाई प्रेशर है तो लैंड पे क्या होगा, लो प्रेशर, एकदम जस्ट रिवर्स प्रेशर कंडीशन रहता है। रिवर्स मतलब अपोजिट रहता है एकदम, और इसीलिए विंड का रिवर्सल भी होता रहता है। साल के एक समय में विंड जो है, मानसून जो है, वो सी से लैंड की तरफ जाती है, तो साल के दूसरे पार्ट में ये लैंड से सी की तरफ जाती है। इसी को कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। तो मानसून क्या है, मानसून इज अ सीजनल विंड विच रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सीजन्स, ठीक है ना। तो मॉनसून के बारे में इतना लिख लेना कि द वर्ड मॉनसून इज डेराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम व्हिच लिटरली मींस सीजन। मॉनसून रिफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये ऐड कर सकते हो कि ड्यूरिंग विंटर इट ब्लोस फ्रॉम लैंड टू सी एंड ड्यूरिंग समर इट ब्लोस फ्रॉम सी टू लैंड। इतना इसमें ऐड कर सकते हो, समझ में आ गया सबको। अब आगे बढ़ते हैं। Now come to the second column. The climate of India is described as monsoon type. This type of climate is found mainly in South and Southeast Asia. India का position globe में देख रहे हो कि India क्या है, South Asia में located है. India is located in South Asia and there are some other Southeast Asian countries. है ना, Southeast Asian countries में ये South में ये Bangladesh, इधर ईस्ट के तरफ में म्यांमार, है ना, बहुत सारे कंट्रीज आ जाएंगे। तो इधर ईस्टर्न साइड और पूरा सदर्न एशिया, ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब ऐड कर लो, तो इन सारे रीजन में क्या है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। वर्ल्ड के इस हिस्से में जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है वहां कौन सा क्लाइमेट है बोलो, मॉनसून टाइप। हाँ, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। हाँ, तो ये वर्ल्ड का एक टाइप है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लाइमेट हैं, जैसे तुमको कल के क्लास में भी बताए थे कि इक्वेटर जो है ना, जीरो डिग्री लैटिट्यूड, उसके आसपास इक्वेटोरियल क्लाइमेट है ना। फिर एकदम पोल्स पे चले जाओ, साउथ पोल या नॉर्थ पोल, तो उसके आसपास के रीजन में पोलर क्लाइमेट है। हरे राम, पोलर क्लाइमेट। हरे राम, वीडियो ऑफ करो। हाँ, तो पोलर क्लाइमेट को क्या कहते हैं, टुंड्रा क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। फिर से बोलो, व्हाट इज टुंड्रा, है ना बच्चों। एक बात बता रहे हैं तुमको, कुछ बॉयज को हम कह रहे हैं, वो ना प्रॉपर ड्रेस में नहीं आते हैं, नहीं बैठते हैं, टेबल चेयर पे लगा के बैठा करो सीधे, और ऐसे तुम्हारा ड्रेस एक प्रॉपर होना चाहिए। तुम अच्छे ड्रेस में भी नहीं बैठे रहते हो और वीडियो ऑन कर लेते हो। एक गंदा सा वीडियो अभी मुझे दिखा कि बनियान पहन के बैठा हुआ है एक लड़का, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए, बैड मैनर्स है ये सब। एकदम ढंग से आओ, ये क्लासरूम की तरह है ना, तुम्हारा वर्चुअल क्लास है, तुम क्लास कर रहे हो यहाँ पे। हरे राम, रितेश, सब ध्यान दो इन बातों पर। यहाँ पे नाम नोट हो रहा है कौन डिसिप्लिन मैनर में क्लास नहीं अटेंड कर रहा है। अब यहाँ देखो, आगे देखो, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो तुम एशिया के मैप में देखो कि पूरे साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं और साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं। Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variation in climatic condition within the country. In general, तो हम क्या कहते हैं कि इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन फिर भी क्या दिखता है कि कुछ ये है, perceptible regional variation है,
साफ साफ दिखाई देने वाले कुछ वेरिएशंस हैं, मतलब क्लाइमेट में डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं है कि मॉनसून है तो एकदम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही तरह का क्लाइमेट है, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर में, रेनफॉल में कुछ बहुत क्लियर कट वेरिएशन दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशन, विच वी आर एबल टू नोटिस वेरी क्लियरली, परसेप्टेबल, है ना। परसेप्टेबल का मीनिंग समझ में आ गया, जो साफ साफ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, जैसे कश्मीर में चले जाओ तो द्रास, कारगिल ये सब में माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, और तुम एकदम साउथ इंडिया में केरला के किसी कोस्टल पार्ट में चले जाओ तो वहाँ कभी भी टेम्परेचर विंटर तक भी नहीं पहुँचता। जैसे विंटर में 10-12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहाँ तक भी नहीं पहुँचता, वो 20 डिग्री और उसके ऊपर ही रहता है। तो ये डिफरेंस है ना टेम्परेचर में, कि एक ही कंट्री में इतना वेरिएशन है। तो यहाँ पे ना तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर में और रेनफॉल में इंडिया के अंदर भी डिफरेंस देखने को मिलता है, जबकि हमारा क्लाइमेट क्या है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। वही हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है लेसन में, इसलिए इसको तुम ध्यान से देखना कि कैसे हम एग्जाम्पल देंगे वेरिएशंस का। लेट अस टेक टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर और रेनफॉल दो का एग्जाम्पल लेके हम इस चीज को एग्जामिन करेंगे अभी, कि इंडिया में टेम्परेचर और रेनफॉल में कितना वेरिएशन है। ठीक है ना, क्लाइमेट तो एक ही है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर ये वेरिएशन दिखाई देता है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ कितना एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन समर द मर्करी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। देखो 50 डिग्री क्या है, एक रेयर है एग्जाम्पल टेम्परेचर का। क्यों, क्योंकि 50 डिग्री तो बहुत हाई टेम्परेचर हो गया ना, 32-35 डिग्री तक भी काफी रहता है। तो 50 डिग्री तक का टेम्परेचर भी राजस्थान में डेजर्ट एरिया में दिखाई देता है, जो वेस्टर्न साइड है जैसलमेर की तरफ। वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर, है ना। और उसी समर सीजन में अगर पहलगाम, जम्मू कश्मीर के पहलगाम का टेम्परेचर देखे तो कितना रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इतना का डिफरेंस है एक ही कंट्री के अंदर। तो ऐसा क्यों है बताओ, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो कि हमारा लैटिट्यूडनल वेरिएशन बहुत है, कि कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में है, तो कश्मीर का एंड जो है वो 36-37 डिग्री लैटिट्यूड में है, है ना। तो इतना लैटिट्यूडनल डिफरेंस है। और दूसरी बात क्या है कि ऑल्टीट्यूड का भी डिफरेंस है, हाइट का भी डिफरेंस है। तो कश्मीर में माइनस में टेम्परेचर जाने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो हाइट पे है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। एट एवरी 65 मीटर ऑफ एसेंट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, है ना। हर एक 65 मीटर के हाइट पे जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर घटता चला जाता है। तो इसी रेट पे घटते घटते वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड वाले जगह में तुम्हें माइनस में टेम्परेचर मिलेगा। टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। द्रास में जो जम्मू कश्मीर का एक हाई अल्टीट्यूडनल प्लेस है, तो वहाँ कितना टेम्परेचर रहता है, -45 डिग्री सेल्सियस। और एंड तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड मे हैव अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। और उसी विंटर सीजन में भी अगर तुम केरला में चले जाओ तो वहाँ कोई विंटर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो कोस्टल एरिया में है। वो दो रीजन है, एक वो कोस्टल एरिया में है, दूसरा ये कि वो इक्वेटर से नजदीक भी है, वो बिल्कुल ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है, तो इसलिए वहाँ टेम्परेचर कितना रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस। और तिरुवनंतपुरम क्या है, ये केरला का कैपिटल है, है ना। इसका पुराना नाम क्या था, त्रिवेंद्रम नाम था पुराना नाम, अभी न्यू नेम क्या है, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में देखोगे कि विंटर सीजन में भी हमारा टेम्परेचर इतना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो विंटर नाम की चीज वहां पे कुछ होती ही नहीं है साउथ इंडिया में, स्पेशली कोस्टल एरियाज में, देयर इज नो सीजन लाइक विंटर, राइट। तो इस तरह से हम क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोग यहाँ टेम्परेचर के वेरिएशन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कि एक ही सीजन में, समर सीजन में भी देखेंगे तो
इंडिया के किसी जगह में बहुत हाई टेम्परेचर है तो कश्मीर जैसे जगह में एकदम लो टेम्परेचर। विंटर का टेम्परेचर देखें तो और माइनस में जा चला जाता है कश्मीर में, तो केरला में 20 डिग्री सेल्सियस तक ही है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, इस तरह से टेम्परेचर का वेरिएशन हो गया है एग्जाम्पल का। बॉक्स में देखो क्या लिखा है, इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये 24 घंटे के अंदर का ही डिफरेंस बताया जा रहा है कि एक दिन के अंदर ही डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। जैसे थार डेजर्ट में क्या है कि टेम्परेचर दिन के समय में 50 डिग्री सेल्सियस तक है तो रात में कितना टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक अलग तरह का एग्जाम्पल हो गया, ये विंटर और समर का डिफरेंस नहीं दिखाया जा रहा है, ये 24 आवर्स के अंदर का डिफरेंस दिखाया जा रहा है। इसको कहते हैं डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। 24 आवर्स के अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, डायर्नल, DIURNAL, डायर्नल मतलब डेली। 24 घंटे के अंदर का डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को क्या कहते हैं, डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि थार डेजर्ट में बहुत ज्यादा है, राजस्थान के थार डेजर्ट में। डे टाइम में टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, और नाइट में कितना फॉल हो जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस। ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इन केरला। तो वही ये दूसरा कंट्रास्ट एग्जाम्पल देख रहे हो कि अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड्स में चले जाओ तो क्या है, दिन और रात का टेम्परेचर दोनों बराबर चलता है वहाँ। क्यों? क्योंकि वो लगभग इक्वेटोरियल रीजन में है, इक्वेटर के बहुत करीब है, और इट इज सराउंडेड बाई सी, सो देर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस इन डे एंड नाइट। ठीक है ना, डे एंड नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है यहाँ पे, और जबकि वेस्टर्न इंडिया में थार डेजर्ट में इतना ज्यादा डिफरेंस है, 50 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो तुम देख रहे हो ना कि एक ही कंट्री में ये इधर ऊपर के पैराग्राफ में सीजनल डिफरेंस बताया गया है और इसमें डायर्नल, ये एनुअल हो गया, ये डायर्नल हो गया, मतलब ये डेली एक ही दिन में, एक ही 24 घंटे के अंदर दिन और रात में इतना डिफरेंस है, जबकि अंडमान निकोबार और केरला जैसे जगह में दिन और रात के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब टेम्परेचर वेरिएशन का एग्जाम्पल दोगे तो यही सब तुमको एग्जाम्पल देना है अपने आंसर में, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है प्रेसिपिटेशन। देख रहे हो यहाँ, आर यू सीइंग? तो यस मैम। हाँ, प्रेसिपिटेशन का अब तुमको एग्जांपल देना है कि रेनफॉल में कितना वेरिएशन है। इंडिया में मॉनसून क्लाइमेट है और इंडिया में मॉनसून विंड से रेनफॉल आता है, लेकिन इंडिया के सारी जगह में बराबर रेनफॉल नहीं हो पाता है। ठीक है ना, रेनफॉल में बहुत वेरिएशन दिखता है। अब तुम इस वेरिएशन का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर वेरिएशन का एग्जाम्पल तुम्हें देना है इस पैराग्राफ से कि देयर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट आल्सो इन अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तीनों तरह का डिफरेंस है रेनफॉल में, टाइप्स में भी डिफरेंस है, टाइप माने कहीं रेनफॉल होता है तो कहीं स्नोफॉल होता है, ये टाइप हो गया, और दूसरा अमाउंट मतलब रेनफॉल के क्वांटिटी में डिफरेंस है और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंस है ना, कहीं जुलाई में ही ज्यादा बारिश हो जाती है तो कहीं अगस्त सितंबर में ज्यादा बारिश होती है, कहीं विंटर में जाके ज्यादा बारिश होती है, तो इसको कहते हैं सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी डिफरेंस है। तो रेनफॉल में भी कई तरह का डिफरेंस है, पूरे कंट्री में एक तरह का एग्जाम्पल नहीं है। व्हाई? प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयस, इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। स्नोफॉल कहाँ पे होता है, अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयस, इट रेन्स ऑल ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जबकि पूरे देश में क्या है, रेनफॉल है। तो इंडिया में भी 90% से ज्यादा रेनफॉल ही होता है और लेस देन 10% जो है वो स्नोफॉल ये सब होता है हायर ऑल्टीट्यूड में। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख। अब देखो तुम यहाँ पे क्या बताया गया है कि रेनफॉल में वेरिएशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब एनुअल रेनफॉल
ये मेघालय में कितना होता है, ओवर 400 सेंटीमीटर, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी यूनियन टेरिटरी क्या बना है लद्दाख, उसमें देखो तो रेनफॉल क्या है 10 सेंटीमीटर्स एनुअल। तो इतना डिफरेंस है एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में, ठीक है, कि एक जगह इतना एक्सेस रेनफॉल है मेघालय में तो लद्दाख में इतना कम रेनफॉल। तो रेनफॉल का वेरिएशन का जब एग्जाम्पल लिखोगे तो ये जरूर लिखना, ठीक है ना। किसका किसका एग्जाम्पल लिखोगे, एक मेघालय का और एक लद्दाख का एग्जाम्पल लिखना। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, बट तो मतलब जून टू सेप्टेम्बर क्या है इंडिया के लिए, ये रेनी सीजन है। रेनी सीजन के चार मंथ होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। रिपीट करो, व्हाट आर द फोर रेनी मंथ्स? जून, आवाज लेकिन हो रही है, मत बोलो। तो जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ये रेनफॉल होता है। लेकिन तमिलनाडु कोस्ट में चले जाओ, तमिलनाडु मतलब सदर्न स्टेट हो गया है इंडिया का, गेट मोस्ट ऑफ दिस रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में रेनफॉल होता है ज्यादा, और जो रेनी सीजन है जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, उसमें रेनफॉल नहीं होता। कहाँ पे? तमिलनाडु के कोस्ट में। और ज्यादा कब हो जाता है? अक्टूबर नवंबर में। इस ये क्यों होता है ऐसा, जब हम लोग रिट्रीटिंग मानसून पढ़ेंगे ना तो उसमें तुम इसका डिटेल देखोगे कि लौटने वाली मानसून किस तरह से बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले लेती है और तब यहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट में बहुत बारिश लाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि सीजनल वेरिएशन भी है ऑल ओवर इंडिया। रेनी सीजन है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन तमिलनाडु कोस्ट जो ऐसा है जिसको कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हो, वो कोस्ट लाइन ऐसा है जहाँ पे रेनी सीजन के दौरान कम रेनफॉल होता है, क्योंकि विंड मॉनसून विंड वहां से पैरेलल निकल जाता है। और ज्यादा कब होता है? रिट्रीटिंग मानसून से होता है, जब मानसून लौटने लगती है बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके, तो उससे बारिश होती है। इसके डिटेल में और हम लोग आगे के टॉपिक्स में जाएंगे। ये पैराग्राफ कंप्लीट कर ले आज हम लोग। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। कोस्टल एरिया में टेम्परेचर में कंट्रास्ट बहुत कम रहता है, वो बहुत मॉडरेट टेम्परेचर होता है कोस्टल एरिया का, ठीक है। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री। कंट्री के इंटीरियर में जो प्लेसेस हैं, जैसे इंटीरियर का एग्जांपल ले लो कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत इंटीरियर में है, बिहार भी बहुत इंटीरियर में अंदर है, मतलब कोस्ट लाइन से बहुत दूर है, सी के इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है जो एरिया, तो वहां पे क्या होता है सीजनल कंट्रास्ट ज्यादा होता है। मतलब समर सीजन भी बहुत होता है हाई टेम्परेचर वाला और विंटर भी बहुत लो टेम्परेचर वाला होता है। तो सीजनल कंट्रास्ट कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है? इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द कंट्री, and the coastal parts have moderate temperature condition. There is decreased in rainfall generally from east to west. East से west में India में rainfall घटता है। East मतलब इधर West Bengal की तरफ से देखो और Delhi की तरफ west हो गया, तो West Bengal से west की तरफ चलते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, Delhi पार करते हुए rainfall घटता जाता है Northern Plain में। तो Northern Plain में rainfall घटने का क्या यह है direction है? Rainfall is more in the eastern part of Northern Plain and towards the western part of Northern Plain, the rainfall decreases. These variations have given rise to variety in lives of people in terms of food they eat, the clothes they wear and also the kind of houses they live in. So, hamara jo daily habits jo hain, jaise food, dress, और हाउस के जो पैटर्न है वो सब इसी पे डिपेंड करते हैं कि हमारा क्लाइमेट कैसा है। जैसा क्लाइमेट है वैसा हम फूड ग्रो करते हैं। जैसे ईस्टर्न इंडिया में खरीफ क्रॉप ज्यादा ग्रो करते हैं, ज्यादा रेनफॉल है तो राइस खाते हैं ज्यादा लोग, और फिर वेस्ट इंडिया के लोग व्हीट ज्यादा ग्रो करते हैं तो वो व्हीट ज्यादा खाते हैं। जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ स्लांटिंग रूफ होते हैं, है ना। इस तरह से हमारे फूड हैबिट, ड्रेस और हाउस टाइप्स, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द क्लाइमेट
And there are some related questions here. Why houses in Rajasthan have thick walls and flat roof? Because Rajasthan is the place of very high temperature. The wall is made very thick so that it can protect the house from high temperature in its inner part, interior part. And flat roof, because there is very less rainfall, very little rainfall, so roof is flat. Next question. Why is it that houses in Tarai region and in Goa and Mangalore have sloping roof? Tarai region. Tarai region is the just south of the foothill of Himalayas. So there is very heavy rainfall in Tarai region. Goa has also very heavy rainfall. Mangalore also have very heavy rainfall because they are in the western coastal plain. So the roofs are made slanting because of heavy rainfall. Why houses in Assam are built on stilts? Because Assam is a very damp area, the region of very heavy rainfall. So the ground is always damp, always wet and marshy. So the houses are built on stilts. Stilts means it is built on high poles. मतलब कुछ ये बैम्बूस के पोल्स बना लेते हैं और उसके ऊपर हट बनाते हैं जो कि ग्राउंड से ऊपर रहे, क्योंकि ग्राउंड हमेशा मार्शी रहता है, स्वैम्पी रहता है. इसलिए आसाम के रीजन में क्या है कि हाउसेस आर बिल्ट ओवर स्टिल्ट. स्टिल्ट में हाउसेस बनाए, स्टिल्ट के ऊपर हाउस बनाए जाते हैं, है ना. ये सब